प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आप गल करांगे छेवीं जमात विशा सैंस पाठ नंबर 12 बिजली और सर्कट। अज आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। इस तो अलावा बच्चों जनरल के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर पाए हुए हैं, वो तुसीं प्लेलिस्ट विच जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के विच दिता हुआ है। हुण बच्चों आप इस दे प्रश्न उत्तर करते हैं। सोचो तो जवाब दो पेज नंबर 125। प्रश्न नंबर 1 बल्ब का वह हिस्सा जिहड़ा रोशनी पैदा करता है नूं डैश आखते हैं, की आखते हैं बच्चों? फिलामेंट। प्रश्न नंबर 2 बिजली बल्ब विच डैश सिरे होंदे हन, किन्ने सिरे होंदे ने बच्चों? 2 सिरे। सोचो तो जवाब दो पेज नंबर 128। प्रश्न नंबर 1 बिजली स्विच का की काम होंदा है? उत्तर बिजली स्विच का काम होंदा है कि सर्कट नूं पूरा करना ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਪੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਪੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿਜਲੀ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ? ਆਫ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਨੰਬਰ 1 एक उपकरण जिसनों बिजली सर्कट तोड़न या जोड़न लई वरत्या जाता है उसनों आखते हैं, तो उत्तर है बच्चों स्विच। नंबर 2 जदों बल्ब विचों डैश लंघदी है तो बल्ब जगदा है, बिजली धारा। नंबर 3 डैश वह पदार्थ है जिस विचों बिजली धारा प्रवाहित हो सकती है, चालक। बिजली धारा डैश विचों प्रवाहित नहीं हो सकती, रोधक विचों। सही या गलत लिखो। नंबर 1 बिजली धारा तत्तां विचों प्रवाहित हो सकती है, यह है बच्चों सही। नंबर 2 तत्तां दी तारां दी बजाए जूट दे तार एक सर्कट बनाने लई वरते जांदे हन, यह है बच्चों गलत, क्योंकि जूट दे विचों बिजली धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। नंबर 3 बिजली धारा एक पेंसिल दे सिक्के विचों लंघ सकती है, सही, क्योंकि इहदे विच की हुंदा बच्चों? ग्रेफाइट। नंबर 4 जदों सुक्की सैल विच मौजूद रसायण पूरी तरह वरते जाते हैं तो यह काम करना बंद कर देता है, सही। LED आधारित लैंप वातावरण अनुकूल हैं, सही। मिलान करो। नंबर 1 है बच्चों बटन सैल। बटन सैल इन दिनों कि इन्हों वाला बटन सैल है, सुक्का सैल ए वाला है, LED ए वाली है, तो बिजली स्विच ए वाला है। अगे है बच्चों सही उत्तर की चोण करो। नंबर 1 बैटरी डैश का समेल है, किसका समेल है बच्चों? बिजली सैलों का। नंबर 2 एक मुड़ले बिजली सर्कट में जरूरत है, किस किस की जरूरत होंगी बच्चों? सिर्फ बिजली धारा के एक स्रोत की, ठीक है, बिजली धारा के एक प्रवाहित स्रोत की, कुछ चालक तारा की, एक उपकरण या यंत्र की, तो आप उपरोक्त सारे ते टिक कर देवे। नंबर 3 बिजली के बल्ब विचों बिजली तारा लंघन से यह प्रकाश छड़ना शुरू करता है, क्योंकि इसका उत्तर है बच्चों फिलामेंट गर्म हो जाता है ते फिर प्रकाश छड़ना शुरू कर देता है। बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बिजली सैल की है? बिजली सैल यह एक बिजली का स्रोत है, इस दे एक सिरे ते तातू की टोपी और दूसरे सिरे ते तातू की डिस्क होंदी है, जो तन अते रण टर्मीनल का काम करते हैं, इस विच रसायनिक पदार्थ जमा किए जाते हैं जो बिजली ऊर्जा का स्रोत होंदा है। प्रश्न नंबर 2 बिजली तारा की है? उत्तर इकाई के समय विच चार्ज के बहाव नूं बिजली तारा कहते हैं। बिजली तारा सैल के बाहर तार राही तन टर्मीनल तो रण टर्मीनल वल बहिंदी है। प्रश्न नंबर 3 बिजली सर्कट की हुंदा है? बिजली सर्कट बिजली सैल के दो बिजली श्रेणीबद्ध टर्मीनलों विचकार दे पूरे मार्ग की व्यवस्था जिस किते गए विचों इत्थे विचों थोड़ा गलत लिखा हुआ सी, इहनूं आपां दुबारा देखते हैं, सही करता। बिजली सर्कट बिजली सैल के दो बिजली श्रेणीबद्ध टर्मीनलों विचकार दे पूरे मार्ग की व्यवस्था हुंदी है जिस विचों बिजली धारा का प्रवाह हो सकता है, बिजली सर्कट अखवाउंदा है। हेठां चित्र विच एक बिजली सर्कट का चित्र दिता गया है जिस विच एक बिजली सैल एक स्विच की सहायता नाल बल्ब नूं जोड़िया गया है जो स्विच
ऑन करने ते बल्ब प्रकाशमान हो जाता है। इत्थे बच्चों तुसी देख सकते हो, ठीक है, इत्थे ये अपन स्विच दिता हुआ है, ठीक है। स्विच मतलब स्विच जी आप बल्ब जगाने वेले दबदे हुंदे आ, ठीक है। ये है बल्ब, बल्ब नहीं सॉरी, यह है सैल, ठीक है। यह है बल्ब, जो आप इतने इस स्विच को ऑन करांगे तो यह बल्ब जग जाएगा, जो इसको ऑफ करांगे तो यह बल्ब बंद हो जाएगा। छोटे उत्तर वाले प्रश्न, प्रश्न नंबर एक, बिजली के उपकरण या स्विच को स्पर्श करने से पहले सानू अपने हाथ को चंगी तरह सुखाना क्यों चाहिए है। उत्तर, बिजली सानू बिजली के उपकरण या नंगियां तारां या स्विच को गिले हाथ नाल स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजिही हालत में बिजली धारा का साडे शरीर विचों प्रवाह होने कारण बिजली शांत या झटका लग सकता है, जिस तों कई बार मौत भी हो जाती है। इसलिए बिजली के उपकरण या स्विच को छूने से पहले हाथ को चंगी तरह सुखा लेना चाहिए है। प्रश्न नंबर दो, एक विद्यार्थी ने साइंस लैब में प्रयोग करते हैं एक बिजली बल्ब, बिजली के बल्ब नू एक इलैक्ट्रिक सैल नाल बिजली स्विच राही जोड़िया। उसने देखा कि बिजली का स्विच जदों चालू स्थिति में सैट किया गया तो बल्ब जगया नहीं। इस अवलोकन के किसी भी दो कारण का जिक्र करो। तो बच्चों जो आप घर देखते हैं आप स्विच ऑन करिए तो बल्ब ना जगे तो इसके दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक तो बल्ब जो फ्यूज हो गया या उत्थे तार की खराबी है। तो उत्तर देखते हैं, आप बिजली सर्किट में बिजली के बल्ब लगे हुए उस बल्ब का आन स्थिति में ना जगण के दो संभावित कारण हेठ दिए गए हैं। नंबर एक, बिजली बल्ब के फिलामेंट का टुटिया होना अर्थात बिजली बल्ब का फ्यूज हो जाना जिस स्थिति में धारा का परिपथ पूरा नहीं होता। नंबर दो, जोड़क तारा का किसी पॉइंट के ढिले रह जाना। तो ये सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो बल्ब का फ्यूज हो जाना, ठीक है, जां फिर कितने तार है जी उहदे विच खराबी होनी या टुटी होनी या ढिला होना तार का। प्रश्न नंबर तीन, बिजली दे चालकां ते रोधकां विचकार की फर्क है, इन्हां दीआं दो उदाहरणां भी दिओ। बिजली चालक जिहड़ा पदार्थ अपने विचों बिजली का प्रवाह होण देवे उसनूं बिजली चालक आखदे हन, जिवें तांबे की तार, लोहे की चाबी, मनुखी शरीर। बिजली रोधक जिहड़े पदार्थ अपने विचों बिजली का प्रवाह नहीं होण दिंदे उहनां नूं बिजली रोधक आखदे हन, जिवें रबड़, प्लास्टिक अते लकड़ी। नंबर चार, दसो कि हेठां दित्ते चित्र विच दर्शाए गए प्रबंध विच बल्ब क्यों नहीं जगदा। इत्थे विच आपां नूं ये बल्ब दिता गया, ठीक है, बल्ब का प्रबंध दिता गया मतलब, ठीक है। इहदे विच आपां नूं ये दसना है कि बल्ब जग क्यों नहीं रहा। दिते गए परिपथ विच तारा का एक सिरा बिजली बल्ब के टर्मीनल नाल अते दूसरा सिरा बल्ब नाल जुड़िया होया है, जदकि बिजली सैल का दूजा टर्मीनल रोधक राही बिजली के दूजे टर्मीनल नाल जुड़िया होण कारण बिजली का पथ पूरा नहीं हुंदा। बिजली धारा का पथ पूरा नहीं हुंदा जिसके सिट्टे वजो बिजली बल्ब नहीं जगदा। इत्थे विचो बिजली का जिहड़ा पथ है वह पूरा नहीं हो रहा, इस करके यह बल्ब नहीं जग रहा। हेठां दित्ते सर्किट के हिस्सों नूं सही लेवल नाल मिलाओ। सैल, सैल की हुंदा विचो बिजली धारा का स्रोत हुंदा है, ठीक है। स्विच बिजली सर्किट नूं जोड़न वाला यंत्र, बिजली बल्ब प्रकाश देण वाला यंत्र। इतने बच्चों आप इन्हों मिला है, ठीक है। तो इतने बिजली धारा का स्रोत लिखा हुआ है, इन्हों आप सैल के नाल मिला देवे, ठीक है। तो बिजली सर्किट में तोड़ने या जोड़न वाला यंत्र यह होंगे स्विच, तो बाद प्रकाश देने वाला यंत्र यह होंगे बल्ब। बड़े उत्तर वाले प्रश्न, प्रश्न नंबर एक पदार्थ उपर चालक परीक्षण की वरतों करद पाया गया कि बल्ब प्रकाशवान हो जाता है, कि यह पदार्थ चालक है या रोधक, व्याख्या करो। तो बच्चों इतने सीधी जी गल है अपने को, जेकर बल्ब प्रकाशमान हो रहा है, ठीक है, तो यह की होगा चालक। उत्तर, बल्ब के प्रकाशमान होने का अर्थ है कि यह पदार्थ बिजली की धारा अपने विचों लंघन दिता है। असं जानते हाँ कि जोड़े पदार्थ अपने विचों बिजली धारा लंघन देंदे हैं वह बिजली के चालक होंगे, इसलिए यह पदार्थ एक बिजली का चालक है। प्रश्न नंबर दो, इलैक्ट्रीशियन द्वारा वरते जाते संद जिमें कि पेचकस और पलास के दस्त्या उपर प्लास्टिक या रबड़ के कवर होंगे, कि तुम दस सकते हो क्यों। उत्तर, इलैक्ट्रीशियन द्वारा वरते जाने वाले औजार संद जिमें कि पेचकस और पलास पलाईरज के हथियां हैंडलों से प्लास्टिक या रबड़ के कवर न ढके होंगे, क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ बिजली रोधक होंगे, इसलिए इन्होंने बिजली की धारा नहीं लंघ सकती, जिसके सिट्टे वजो बिजली के हानिकारक झटके तो बच जाते हैं।
इस तरह बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं तो बाकी पाठों के प्रश्न उत्तर भी चैनल पर पाए हुए हैं उसी प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिता हुआ है। धन्यवाद।